Rahman Rahim. Okay, students, we are going to start over today's lecture. Let's begin. Today's lecture is basically related to the thermal radiations. हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास रेडिएशन की डिफरेंट टाइप्स हैं और उसमें बहुत सारी टाइप्स की रेडिएशन हमारे पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन हर रेडिएशन का एक खास स्पेक्ट्रम होता है, एक वेवलेंथ होती है. लेकिन जो थर्मल रेडिएशन हैं बेसिकली दीज आर अ काइंड ऑफ यूनिक टाइप विच हैव थर्मल एनर्जी. लेकिन जो बाकी रेडिएशन की टाइप के हैं उनके पास थर्मल एनर्जी मौजूद नहीं होती. तो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे थर्मल रेडिएशन के हवाले से इन ओवर टुडेस लेक्चर. रेडिएशन इज एन अदर डिस्टिंक्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी across a system boundary by means of an electromagnetic mechanism which is caused totally by temperature difference. Mean ke iske liye hame kisi bhi kism ke jo hai na wo medium ki zarurat nahi hoti hai. There should be only a temperature difference. Conduction and convection requires medium of heat transfer, but radiation heat transfer does not require any medium. Radiation heat transfer occurs effectively in vacuum, yani ki agar vacuum hoga तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर रेट मोस्ट इफेक्टिव होगा. ईच एंड एवरी बॉडी रेडिएट्स हीट, बट अ हॉट बॉडी रेडिएट्स मोर हीट देन इट एब्जॉर्ब्स. कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब्स मोर हीट देन इट रेडिएट्स. तो जिस बॉडी के टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो रेडिएशन ज़्यादा रिलीज करेगा और जिसका कम होगा वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा. The radiation and heat energy transfer by means of electromagnetic waves is like light and radio waves. ये ऐसे ही travel करती हैं जैसे light move कर रही है या radio waves के. इसकी अगर आप लोग देखें तो these electromagnetic waves are classified in terms of wavelength according to speed of light. ये अगर मैं आप लोगों को show करूँ, let ये हमारे पास है, ये बेसिकली c इज इक्वल टू लेमडा इंटू टॉ. c है स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा वेवलेंथ है और टॉ जो है वो फ्रीक्वेंसी है. बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. टू अंडरस्टैंड रेडिएशन अ सॉलिड इज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर Ts, प्लेस्ड इनसाइड अ कंटेनर होज इनसाइड टेम्परेचर इज Tw एंड आउटसाइड ऑफ द टेम्परेचर कंटेनर इज इंसुलेटेड. लेट अस अज्यूम कि ये हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है और इसका सरफेस टेम्परेचर Ts है और ये एक इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर इनक्लोज्ड है और कंटेनर के अंदर टोटल वैक्यूम है. तो अब क्या होगा कि बेसिकली जो हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन दिस सरफेस टू दिस सरफेस और दिस सरफेस टू दिस सरफेस डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी सरफेस का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और कौन सी फिर इसमें मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं और उनको भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशन सिर्फ रिलीज़ करते हैं और उनकी एब्जॉर्प्टिविटी कम होती है, कुछ एब्जॉर्ब करते हैं उनकी रेडिएटिविटी कम होती है और कुछ एब्जॉर्ब भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं. सब लोगों को मेरी आवाज़ आई होप सो कि क्लियर आ रही होगी. अगर किसी बच्चे को वॉइस इशू हो या स्क्रीन शेयरिंग प्रॉपरली क्लियर ना हो तो ही और शी कैन रेज हिज हर हैंड एंड देन कैन लेट मी नो. अब यहाँ पे आप देखिए ये वही सॉलिड है. द सॉलिड टेम्परेचर इज हायर देन द कंटेनर इनसाइड टेम्परेचर एंड देयर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन देम. तो सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो कंटेनर के टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा है. इट मीन्स ये रेडिएशन रिलीज करेगा और कंटेनर एब्जॉर्ब करेगा. आफ्टर सम टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेज एंड बोथ सिस्टम सॉलिड एंड कंटेनर विल रीच द थर्मल इक्विलिब्रियम. जाहिर सी बात है वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों के टेम्परेचर में चेंज आएंगे और थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी.
Radiation heat transfer occurs without an intermediate medium and will occur when even with vacuum. अब इसका टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हीट रेडिएट कर रहा है, और इसका टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसकी रेडिएशन रिलीज और इसके हीट एब्जॉर्बेंस की वजह से जो है वो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यहाँ से ये बात साबित हो गई है कि आपके पास थर्मल रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की जो है ना जरूरत नहीं। ये मैं यहाँ पे आगे दिखाता हूँ कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या है। बेटा जस्ट होल्ड अ सेकेंड, ओके, अ बॉडी इज एमिटिंग एन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी इज एमिटेड एट ऑल वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज, बट द हीटिंग इफेक्ट अकर्स ओनली इन द लिमिटेड वेवलेंथ। रेडिएशन एनर्जी ऑन दीज वेवलेंथ्स आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस। थर्मल रेडिएशन अकर्स इन द वेवलेंथ रेंज ऑफ 0.1 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन। ये माइक्रोन का साइज है, ये देखिए होता है ना, मीटर है, मिलीमीटर है, नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, 10^6 माइक्रोन्स, आर फ्रॉम 100 एंगस्ट्रॉम टू 10^1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो ये 10^8 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये भी आपके पास वेवलेंथ के यूनिट्स हैं। द लाइट रेडिएशन विच कैन बी सीन बाई ह्यूमन आई लाइज बिटवीन 0.35 माइक्रोन टू 0.8 माइक्रोन। अच्छा, अब ये जो चीज़ें ना, ये टर्म है, जैसे ये टर्म है, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, ये चूंकि MCQs टाइप क्वेश्चन में से बन सकते। अब ये बेसिकली वो स्पेक्ट्रम शो किया हुआ है, आप देख रहे हैं 10^-8 माइक्रोन से लेके 10^4 माइक्रोन तक, या 10^-4 एंगस्ट्रॉम से लेके 1 एंगस्ट्रॉम तक, ये गेम रेंज। फिर ये जो रेंज है, इसमें आपके पास एक्सरेज आ गई हैं, फिर उससे अगली रेंज में आपके पास यूवी रेज हैं, फिर वहाँ से अगर हम आगे चले जाएं इस रेंज में, ये आपके पास ये सारा रीजन जो है ये क्या है, विजिबल रीजन है, ठीक है। तो इसमें इंफ्रारेड एंड थर्मल रेडिएशन आ जाती है। अब ये वो वाला रीजन है जिसमें हमारे पास इंफ्रारेड और थर्मल रेडिएशन हैं, एंड दिस रीजन इज इम्पोर्टेंट टू अस। बाकी आगे अगर हम चले जाएँ तो यहाँ से यहाँ तक ये रडार है, फिर ब्रॉडकास्टिंग रेडिएशन है, जो हमारे पास जितना भी टीवी और रेडियो का जो है ना सिस्टम है, और ये उससे आगे फिर अल्ट्रासोनिक आ जाता है। तो ये आप लोगों को ये चार्ट भी पता होना चाहिए, और इसमें आप लोगों से MCQs पूछे जा सकते हैं कि जी गामा रेज कितने माइक्रोन जो है वो रेंज में है, एक्स रेज कितने माइक्रोन रेंज में है, या यूवी रेज कितने माइक्रोन रेंज में है वगैरह वगैरह। ओके, सो ये बेसिकली वो जो है ना वेवलेंथ बैंड दिया हुआ है। अब कलर स्कीम के हवाले से, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये उनकी कलर स्कीम है। तो ये जो कलर्स होते हैं ना, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स, उनकी ये भी आपको जो है ना इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर MCQs में मैं अगर इनमें से जो है ना वो डिफरेंट दे दूँ, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा कलर किस वेवलेंथ रेंज में मौजूद हो। ठीक हो गया। सरफेस एमिशन प्रॉपर्टीज क्या है? द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो ये तीन मेजर चीज़ें हैं, ये भी MCQ सवाल बन सकता है। तो रेट ऑफ रेडिएशन जो है वो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेडिएशन ज़्यादा होगी, या नेचर ऑफ सरफेस ब्लैक बॉडी या वाइट बॉडी या ग्रे बॉडी है उसके हवाले से चेंज होगी, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है। टोटल एमिसिव पावर क्या है? द एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया एंड टाइम।
एक बॉडी है ना, उसका कोई यूनिट एरिया होगा, तो उस यूनिट एरिया में से जो है वो कोई भी बॉडी से जितनी रेडिएशंस रिलीज होती हैं विद इन यूनिट टाइम, दैट इज इट्स एमिसिव पावर, और इसकी यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होते हैं। द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज ई बी इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, और डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर आर इट्स यूनिट्स। तो ये क्या है कि आपके पास ब्लैक बॉडी जो है वो आइडियल बॉडी होता है, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो 100% रेडिएशन को रिलीज भी कर सकता है और 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो बेसिकली अब ई बी जो है वो बेसिकली उसकी टोटल एमिसिव पावर को शो कर रहा है, और बी फॉर ब्लैक बॉडी। तो अगर इसी को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर ले तो वो टोटल जो है ना वो बॉडी की जो है ना एमिसिव पावर आ जाएगी, और जाहिर है वो जब टोटल एरिया है तो एरिया से मल्टीप्लाई होगा तो पर मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द फोर्स पावर, पावर फोर्स के इक्वल होता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपने स्टडी भी किया हुआ है, और इसकी जो ये कॉन्स्टेंट पैरामीटर है और इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। 5.67 इंटू 10^8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर फोर, इसके यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज में बच्चे गलती जो करते हैं, हो सकता है मैंने सारी वैल्यू सेम लिखी हो, यूनिट्स को ऊपर नीचे किया हो, तो यू कैन बी कंफ्यूज, सो यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक आर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा, अब ये मोनोक्रोमेटिक आर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जो है ना ई लैम्डा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम किसी खास वेवलेंथ की जो है ना रेडिएशन की बात कर रहे हैं। It is defined as the rate of energy radiated per unit area of a surface per unit wavelength. ठीक है, तो बात एनर्जी की हो रही है, और इसमें E is equal to 0 to infinity E lambda dot d lambda, watt per meter square units है इसके। तो आप लोग देखेंगे ये E lambda लिया है, अब ये किसी भी किस्म के बॉडी के लिए हो सकता है, ये भी जो था ये हमारे पास सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए इसमें जो है ना वो हमारे पास ये गिवन है, जैसे ये कोरिलेशन दिया हुआ था, लेकिन ये जेनेरिक कोरिलेशन है एंड इट इज यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ बॉडी, और उसकी जो वेवलेंथ की रेंज हो सकती है वो 0 से इनफिनिटी के इनफिनिटी। एमिसिविटी क्या है, एमिसिव पावर और एमिसिविटी दो अलग अलग चीजें। इट इज दैट डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ सरफेस ऑफ अ बॉडी टू रेडिएट, ये किसी जिस्म की एबिलिटी है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक मसाल देता हूँ कि अगर हम एक सादा सी मसाल लें कि एमिसिव पावर है कि वो कितनी रेडिएशन रिलीज कर सकता है, और एमिसिव पावर है कि एमिसिविटी है उसकी एबिलिटी। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक आदमी है वो 10 kg वेट उठा सकता है, और एक है 40 kg उठा सकता है। तो एमिसिव पावर क्या है कि वो कितनी हमारे पास रेडिएशन जो है वो रिलीज कर सकता है, टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट। तो एक आदमी है वो 40 kg वेट उठा सकता है, उसने टोटल 40 kg उठाया, जब दूसरा आदमी है वो 10 kg उठा सकता है। ठीक है, वो 10 kg से ज्यादा नहीं उठा सकता, तो ये बेसिकली उसकी एबिलिटी जो वो मैक्सिमम 10 kg उठा सकते हैं, यस 10 kg से कम भी उठा सकते। इसी तरह एक बंदा है वो 40 kg उठा सकता है मैक्सिमम, तो उसकी एबिलिटी क्या है 40 kg, दैट इज एमिसिविटी। उठाता कितना है 20 kg, उसे अपनी एनर्जी को कितना
एमिसिविटी इट इज आल्सो डिफाइंड एज द एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. यार ये देखिए ये स्टैंडर्ड आ गया, जो मैंने एग्जांपल दी है उसी के रेफरेंस, कि एक बंदे के पास कैपेसिटी 40 केजी है मैक्सिमम और दूसरा बंदा है उसकी 10 केजी है, तो हम अब 10 केजी वाले को कंपेयर कर रहे हैं 40 केजी वाले के साथ, ठीक है. तो ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी क्या होती है? 1 मैक्सिमम, क्योंकि ईबी ओवर ईबी आ जाए. बाकी सब की एमिसिविटी जो है वो 1 से कम होती है, यानी कि वो मैक्सिमम रेडिएशन रिलीज नहीं होता. तो ये फिर 0 से 1 के बिटवीन बाकियों की आ जाएगी. इसी तरह वाइट बॉडी है वो कुछ भी नहीं एनर्जी रिलीज कर सकता रेडिएशन, तो उसकी एमिसिविटी क्या होगी? एमिसिविटी 1 फॉर ब्लैक बॉडी, 0 फॉर वाइट बॉडी एंड 0 to 1 फॉर ग्रे बॉडी. ग्रे बॉडीज जो होते हैं जो मतलब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ रिलीज कर लेते. रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल सर्फेसिज, एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी. अब ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, इसको याद रखना, इसमें से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं. आप लोगों ने जो है ना वो मैटर के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया होगा लाइट वाला, आप वो एक जो है वो प्रिज्म रख लेते थे, जो है ना एक ग्लास ब्लॉक होता था वो रख लेते थे, या प्रिज्म भी आप लोगों ने देखा होगा, और फिर जो है ना वो आप डिफरेंट बीन्स की हेल्प से जो है ना वो रोशनी का रास्ता बनाते थे उसमें से. तो जब भी लाइट किसी मीडियम में से पास होती है ना, तो तीन चीज़ें होती हैं. कुछ लाइट सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ पास हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है. मैंने बताया तीन चीज़ें होती हैं, जब लाइट किसी मीडियम में से पास होती है तो कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है. इसी तरह रेडिएशन के केस में है कि ये एक इंसिडेंट रेडिएशन है, ये सरफेस पे जो है ना जब जो है वो इंटरेक्ट करती है तो कुछ जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो गई है, ये डॉट 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 एब्जॉर्ब हो गई है, कुछ पास हो गई है इसमें से और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई है. इंसिडेंट रेडिएशन को जी से रिप्रेजेंट किया है, रिफ्लेक्टेड को जी रो से, ट्रांसमिटेड को जी टॉ से और एब्जॉर्ब्ड को जी अल्फा से रिप्रेजेंट. अब इन तीनों का अगर मैं सम करूं तो ये किसके इक्वल होगा? इंसिडेंट रेडिएशन के इक्वल होगा. जी अल्फा प्लस जी रो प्लस जी टॉ इज इक्वल टू जी. अगर मैं इसको जी से डिवाइड कर लूं इस साइड पे, जी जी जी, तो अब ये तो मैक्सिमम है ना, तो ये बेसिकली रेशो बन गई. तो इस रेशो को मैं अल्फा रो टॉ कह देता हूँ और ये क्या इक्वल हो जाएगी? 1. अब अल्फा क्या है? एब्जॉर्प्टिविटी है. रो क्या है? रिफ्लेक्टिविटी है. और टॉ क्या है? ट्रांसमिटिविटी है. अब ये पैरामीटर बताएंगे कि कोई भी बॉडी जो है वो कितनी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और कितना ट्रांसमिट करेगा, ठीक है. ये बेसिकली अल्फा रो और टॉ की डेफिनेशन. फॉर ब्लैक बॉडी अल्फा एब्जॉर्प्टिविटी 1 होगी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी 0 होगी, और फॉर ओपेक बॉडी ट्रांसमिटिविटी 0 होगी, अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू 1 होगा. यानी ओपेक बॉडी में से जो है ना वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती लाइट, उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. और इसी तरह वाइट बॉडी के केस में जो है ना रिफ्लेक्टिविटी 1 होगी और एब्जॉर्प्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी क्या होगी? 0 होगी. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक जो है ना मिरर रखा हो तो उस पर लाइट पड़ती है तो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है. और ग्रे बॉडी के लिए जो है ना वो अल्फा बीटा और टॉ की वैल्यूज जो है वो यूनिफॉर्म होती हैं, वेरी करती हैं 0 और 1 के बीच. मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी क्या है? मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी. ये हमेशा याद रखेंगे, एमिसिविटी की जब भी डेफिनेशन आएगी ना हम ब्लैक बॉडी के साथ कंपेयर. तो मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी है तो मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी एट एनी स्पेसिफिक वेवलेंथ टू द मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी. या मोनोक्रोमेटिक की बात क्यों कर रहे हैं? कि जिस खास वेवलेंथ के ऊपर हम लोग किसी बॉडी के रेडिएशन को ले रहे हैं उसी खास वेवलेंथ पे ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को कंसिडर करके दोनों के रेशियो ले. ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास एक बॉडी है उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ 10 है, ब्लैक बॉडी की 5 है, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. नहीं, बल्कि ब्लैक बॉडी की भी 10 वाली रेडिएशन को कंसिडर करेंगे और दूसरे बॉडी की भी 10 वाली रेडिएशन को कंसिडर करेंगे एट सेम वेवलेंथ, फिर कंपेरिजन. तो एप्सिलॉन लेमडा इज इक्वल टू
आपके पास आ गया ई लेमडा ओवर ई बी लेमडा, ई बी ब्लैक बॉडी, लेमडा वो खास वेवलेंथ है। तो यहां से अगर आप लोगों ने ये ई बी को इधर ट्रांसफर कर लें तो ई लेमडा इज इक्वल टू ई लेमडा इंटू ई बी लेमडा इंटू डी लेमडा। अब ये चूंकि हम लोग इसके इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से इंफिनिटी तक, यानी कि सारी वेवलेंथ से ताकि इसमें आ जाए, तो लेमडा इज वेरिएबल, इसलिए इसके साथ इसको डी लेमडा कर दिया है। तो अब अगर ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, अब ई बी लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो ई बी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई बी लेमडा इंटू डी लेमडा। ओके, अब यहां पे देखें कि आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा टी पावर 4, क्योंकि ब्लैक बॉडी तो 100% रेडिएशन रिलीज करेगा ना, सिग्मा पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके। तो अब इन दोनों की अगर आप लोग रेशियो लेंगे ई ओवर ई बी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस ई लेमडा सिग्मा एप्सिलॉन लेमडा ई बी लेमडा डी लेमडा ओवर सिग्मा टी पावर। तो ये इन दोनों की रेशियो। ब्लैक बॉडी क्या है कि अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट रेडिएशन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एट ऑल वेवलेंथ विदाउट रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग इट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडीज आर यूज्ड टू कंपेयर द एमिशन एंड रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल बॉडीज। फॉर ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिविटी 1 है, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी 0। तो ये ब्लैक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली। कोई भी ऐसा बॉडी जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा आप उसे ब्लैक बॉडी कहेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से मराद ये है कि एक तो रेडिएशन रिलीज हो रही है और रेडिएशन के अंदर इंटेंसिटी कितनी है, एनर्जी कितनी है। अब बात ये है कि आप लोगों ने जो है ना वो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लकड़ी जलाते हैं, आप कोयला जलाते हैं, आप नेचुरल गैस जलाते हैं। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि तीनों की जो इंटेंसिटी होती है फ्लेम की वो डिफरेंट होती है, जो हीट उनसे आ रही होती है। तो एक ये है कि वो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, और एक है कि उसमें इंटेंसिटी कितनी है, पावर कितनी है। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी ऑफ ओवरऑल वेवलेंथ। तो ये टोटल वेवलेंथ जो है ना हम सारी कंसिडर कर लें, कोई खास वेवलेंथ कंसिडर नहीं करेंगे। तो आई बी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आई बी लेमडा इंटू टी, टी से मराज कोई खास टेम्परेचर है, डी लेमडा। ठीक है, तो ये वाट पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसके क्या आगे हैं, यूनिट। स्पेक्ट्रल ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंटेंसिटी, अब स्पेक्ट्रल ये है जी आई बी सारी रेडिएशन दार, और ये क्या है स्पेक्ट्रल रेडिएशन से मराद है किसी खास वेवलेंथ के रेडिएशन, लेमडा रेडिएशन। द स्पेक्ट्रल ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंटेंसिटी एक्सप्रेसेस द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर थ्री थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पर यूनिट वेवलेंथ पर यूनिट सॉलिड एक्स। The value obtained by Planck's law is equal to I b lambda into t is equal to 2 h c square over lambda power 5 exponent of h c over lambda k t minus 1, और ये जो इसके यूनिट्स आगे हैं माइक्रोमीटर। अच्छा, एक मजे की चीज ये है कि ये फार्मूला आप लोगों ने ड्राइव नहीं करना है इसको, जस्ट आप लोगों ने याद रखना है। कुछ डिफिकल्ट किस्म के फार्मूलाज जो होते हैं वो पेपर में हम लोग बच्चों फार्मूला शीट भी दे देते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होने चाहिए एटलीस्ट इसमें एच के सी और टी की वैल्यूज को डिफाइन किया हुआ है, और ये कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं, उनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। टू डिटरमिन सॉलिड एंगल है, ठीक है ना, पर यूनिट सॉलिड एंगल की इसने इसमें बात किया, तो ये सॉलिड एंगल क्या चीज है इसको देखिए। Consider a small area dA in the hemisphere at a distance r from the center of the hemisphere. ये small area जो है वो dA है in a hemisphere, किसी sphere के अंदर है। ठीक है, आप समझ लें
एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये सेंटर है स्फीयर का। आप समझ लें कि आपको मैं एक आसान सी एग्जाम्पल दूं ना, अगर एक जो हमारी डेली रूटीन की एग्जाम्पल है, मैंने शायद आप लोगों को स्फीयर की बात की थी तो आपको एग्जाम्पल दी थी कि आप लोगों ने वाटर बैलन देखा है। आप समझ लें कि ये वाटर बैलन की सरफेस के ऊपर आप एक छोटा सा सर्कल लगा के ना उसको कट करें और उस सर्कल की एजेस से जो है ना लाइंस एक्सटेंड करें टुवर्ड्स अ वाटर बैलन सेंटर, तो आपके पास एग्जैक्टली इस तरह की शेप बनेगी। तो ये जो सर्कल आपने उसकी सरफेस पे लगाया है ना वो डी ए है, उसका सेंटर से डिस्टेंस आर है, ठीक है, और ये इन दोनों लाइंस के दरमियान जो उसकी एजेस से आपने ड्रा की है उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है ये डी ओमेगा है और ये डी ए ओवर आर स्क्वायर है। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है? डी ए ओवर आर स्क्वायर। और इस एंगल को आप क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड है ना, ठीक है, 3D। द सॉलिड एंगल बाय डी ए फ्रॉम ओ इज फ्रॉम सेंटर इज डी ए ओवर आर स्क्वायर, सॉलिड एंगल फॉर हेमिस्फीयर फ्रॉम इट सेंटर इज डी ओमेगा। ये डी ए की वैल्यू आप निकाल लें 2πr² / r², तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2π की। सिमिलरली फॉर अ स्फीयर सॉलिड एंगल इज 4π, ये हेमिस्फीयर का मतलब आधा स्फीयर, आपने आधा काटा टोटल लेंगे तो 4π हो जाएगी। और इसकी यूनिट्स क्या है? स्टी रेडियन से ऐसा स्टी रेडियन ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर, इट इज डिफाइंड एज द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ लैम्डा इन ऑल डायरेक्शन इनटू द हेमिस्फेरिकल स्पेस। हेमिस्फेरिकल का आपको बताया गया ई बी लेमडा इंटू टी, टी से मतलब को खास टेम्परेचर इज इक्वल टू सी वन ओवर लेमडा पावर 5 एक्सपोनेंट ऑफ सी टू ओवर लेमडा टी माइनस 1। सी वन और सी टू क्या है? वो कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स हैं, उनकी वैल्यूज आपको दी हुई है, अगेन दिस कोरिलेशन शुड बी विद यू और इसको आपको याद होना चाहिए। आप ये देखिए कि यहाँ भी डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशन हैं, तो इसमें जो है ना आप लोगों को इनको कम्प्लीटली ये लेक्चर में आपसे शेयर करूँगा, इनको अंडरस्टैंड करना है, ऐसा ना हो बॉडी के बारे में बताया था कि ये जो है ट्रांसमिशन इसकी जीरो होती है लेकिन इसकी कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस होती है और रिफ्लेक्टिविटी होती है अल्फा प्लस रो की वैल्यू 1b। और जो वाइट बॉडी है, वाइट बॉडी के केस में ट्रांसमिटेंस जीरो होती है, एब्जॉर्बेंस जीरो होती है, रिफ्लेक्टिविटी 1 होती है। इसकी मैंने आपको आसान सी एग्जांपल दी थी, अगर आप मिरर ले लें तो आप लाइट की तरफ करेंगे ना वो सारी लाइट रिफ्लेक्टिव, ठीक है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अभी इसमें ये रिफ्लेक्शन की कुछ टाइप्स जो है ना बताई हुई है। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन जो आपके पास जो आ रही है, जिस एंगल पे लाइट आई है उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जी बेटा, ये नगीना, यू हैव एनी क्वेश्चन? मुझे ये पूछना था कि फॉर्मूलाज की डेरिवेशन और फॉर्मूलाज बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो उन सबको यानी मेमोराइज करना और डेरिवेशन भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। मैंने डेरिवेशन नहीं दी हुई है और डेरिवेशन वही आप लोग मतलब एज ए होल अगर हम इसको लें तो वही डेरिवेशन आप ड्रा करेंगे जो आप लोगों को लेक्चर्स में पढ़ाई गई है। मतलब अब रेडिएशन के केस में मैंने 3-4 फार्मूलाज काफ़ी टफ टफ आपको बताए हैं, उनकी डेरिवेशन नहीं है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दियर डेरिवेशन। और यहाँ पे एक चीज़ भी ऐड करता चलूँ कि जितनी भी डेरिवेशन आप लोगों के लिटरेचर में दी हुई हैं ये उस वक्त तक आप लोगों के लिए मुश्किल हैं जब तक आप एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस नहीं करते। आप जस्ट मतलब बिल्कुल ज़बानी इनकी बेशक प्रैक्टिस ना करें, आप जस्ट उस चीज़ को लिखें एक दफ़ा, उसके अपने नोट्स बना लें। एक है कि लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें दी हुई, एक आप अपने हाथ से जब उसकी एक दफ़ा देख के उसको लिखेंगे ना तो एट द एंड ऑफ सेशन यू विल फील दैट कि आपको तकरीबन 60-70% वो चीज़ें जो है ना क्लियर हो। तो एक चीज़ ये होता है कि चीज़ों को पढ़ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, एक होता है कि आप उनको पढ़ भी रहे हैं साथ उनको लिख रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो
सम टाइम प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों का फोकस ज्यादा होता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर होगी। तो डेरिवेशंस या फार्मूलाज अगर को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे तो वो आपको प्रोवाइड भी कर दिए जाएंगे, उस हवाले से जो है वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके सर। अच्छा, ये हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे। रेगुलर रिफ्लेक्शन ये होती है कि जिस एंगल पे रेडिएशन आ रही हैं उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल। और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें आपकी जो जिस एंगल पे रेडिएशन आ रही होती है वह स्कैटर हो जाती है। आप इस फिगर को देख रहे हैं ना, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स है। अब रेगुलर भी ये होता है कि आपके पास एनर्जी लॉसेस कम होते हैं। इररेगुलर में अब आपको सारी रेडिएशन एक स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर अगर यहाँ पे चाहिए नहीं मिल रही है, कोई इधर चली गई है, कोई इधर चली गई है, तो उसमें फिर लॉसेस ज्यादा होते हैं। और इररेगुलर जो है वो रिफ्लेक्शन होती है रफ सर्फेसिस के ऊपर, जो स्मूथ सर्फेसिस होती है वहाँ से रेगुलर रिफ्लेक्शन। This is the explanation of regular and irregular reflection. Grey body की हम लोगों ने बात की थी कि if a body absorbs a definite percentage of incident radiation falling on it irrespective of their wavelength is known as grey body. Emissive power of grey body is always less than black body. अब हमने कहा है कि इसकी जो emissivity होती है वो emissive power को 0 से 1 के equal होती है, तो जाहिर है black body से कम ही होती है। बॉडी के कंसेप्ट का अगर हम ज़ीद क्लैरिफाई करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी एब्जॉर्प्टिविटी 1 होती है, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी 0 होती है। और इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस, इट एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन। अच्छा, ये एब्जॉर्ब भी मैक्सिमम करता है और अगर इसको हीट करेंगे तो मैक्सिमम रिलीज करेंगे। It is a diffuse emitter. Radiation emitted by black body is independent of the direction. यानि तमाम directions में जाती है। ये नहीं होता है अगर radiation किसी खास direction में जाएगी, जिस तरह हमने पीछे diffuse radiation का केस देखा है, radiations can be transmitted in any direction. Consider a hollow enclosure with a very small hole for passing the incident radiation. आप देखें कि ये just ये हमारे पास एक कैविटी है और इस कैविटी के अंदर ये बेसिकली एक ब्लैक बॉडी नहीं है, बट इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के केस में हमने देखा है कि वो बॉडी है जो सार 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह 100% एब्जॉर्ब कर रही है। अब देखिए इसमें ये यहाँ से रेडिएट एनर्जी एंटर हुई है, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हुई है, कुछ रिफ्लेक्ट हुई है डिफरेंट डायरेक्शन में, फिर यहाँ से यहाँ पे गई है, फिर यहाँ से यहाँ गई है, यहाँ गई है, यहाँ गई है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये इसी के अंदर चक्कर काट रही और हर इंटरेक्शन में ये कुछ एनर्जी कैविटी को ट्रांसमिट कर रही है और एक वक्त आएगा कि ये सारी एनर्जी लूज कर देगी, यानी सारी एनर्जी जो है वो कैविटी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आप जब 100% एनर्जी कैविटी एब्जॉर्ब कर लेगी तो इट इज सपोज्ड टू बी अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये उसी की जो है ना ब्लैक बॉडीज, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पहले पढ़े भी होंगे स्टीफन बोल्ट्ज़मैन लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ब्राउन्स लॉ, वाइन्स लॉ, लैम्बर्ट्स कोसाइन या लैम्बर्ट्स लॉ ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन। इनको देखते हैं जरा क्विकली क्या क्या है। स्टीफन बोल्ट्ज़मैन लॉ कहता है कि किसी भी ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर होती है वो उसके एब्सोल्यूट टेंपरेचर की पावर 4 के इक्वल होती है। ई वी इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। इसमें सिग्मा जो है वो आपके पास स्टीफन बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं याद होनी चाहिए। जिस तरह वाटर है ना, तो हमें पता है उसकी सीपी 4.18 होती है, तो वो किसी को लिख के या बता के देने की ज़रूरत नहीं होती है। एयर की सीपी 1.005 है, वो आपको याद होनी चाहिए। तो इसी तरह ये कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब ये जो चीज है ना, ये लिखा हुआ है टी ओवर 100 पावर टी 4। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं ना कि ये जो इसके साथ ये आपके पास लिखा हुआ है ना 5 10 रेस पावर -8, ये इसकी जगह वैल्यू पुट कर ली है ना,
तो ये 10 रेज पावर 4 किसके इक्वल है? 10 रेज पावर माइनस 8 के इक्वल है। अब ये 100 पावर 4, 1 ओवर 100 पावर 4, 10 रेज पावर माइनस 8 के इक्वल कैसे है, यह आपने सोचना है। किरचॉफ्स क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एनी टेम्परेचर द रेशियो ऑफ टोटल एमिसिव पावर E to the total absorptivity is constant for all substances which are in thermal equilibrium. E over alpha is equal to constant. Consider a large body radiating energy having surface area A n enclosing a small body one having area A. अब ये एक body है जिसका area A one है और ये large body है जिसका area A है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आइसोथर्मल, इसको हमने इंसुलेट किया हुआ आइसोथर्मल इंसुलेटर है। लेट एनर्जी फॉलिंग ऑन द यूनिट सरफेस ऑफ बॉडी बी एट द रेट ऑफ ई बी, ये जो ई बी है ना, ये एनर्जी इसकी सरफेस के ऊपर आगे स्ट्राइक कर रही है। हेयर अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी अल्फा विल बी एब्जॉर्ब बाई द स्मॉल बॉडी। अच्छा, अब ये सारी की सारी आप देखें, ये बॉडी स्मॉल साइज की है तो ये जाहिर है सारी की सारी एनर्जी तो नहीं ना एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से कुछ एनर्जी इस पर पड़ रही है, कुछ इधर जा रही है, यहाँ से कुछ एनर्जी इधर जा रही है, तो इस सारी एनर्जी की कुछ परसेंटेज ही एब्जॉर्ब करेगा। उस परसेंटेज को हमने अल्फा वन कहा हुआ है एब्जॉर्प्टिविटी। ए वन क्या है? इसका एरिया है, जाहिर है एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा। और ई बी क्या है? ये इसकी एनर्जी है। तो अगर मतलब ये 100 यूनिट्स एनर्जी रिलीज कर रहा है और उसका 10% जो है ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0.1। 0.1 into 100 करेंगे तो 10 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वह आपके पास टोटल इसकी जो है ना एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो A1E1 is equal to alpha 1 A1 EB आ जाएगा, ठीक है। A1 E1 क्या है? जो इस ऑब्जेक्ट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, A1 E1, और इसने कितनी रिलीज की है? इसका एरिया क्या है? लेट मी सी, इसका एरिया ए है। तो ए, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ए इंटू ई बी अल्फा वन, यानी कि जितनी इसने रिलीज की है उसकी इतनी परसेंटेज इस बॉडी ए ने एब्जॉर्ब किया है, तो आपके पास ये एनर्जी आ गया, ठीक है। तो ई बी किसके इक्वल होगा? अगर यहाँ से ई बी की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो E1 over alpha 1, एरिया तो आपके पास सेम है ना, वो तो कांस्टेंट होगा, is equal to E2 over alpha 2, is equal to E over alpha 1। अच्छा, ये इसको A1 नहीं लेंगे हम, क्योंकि जो है ना वो बेसिकली एरिया हम लोग इसका A1 एरिया इसके इक्विवेलेंट एरिया के बराबर लेंगे ना, इसका एरिया तो नहीं लेंगे ना, इसका एरिया लेंगे कितना एरिया एक्सपोज। तो इसको जेनेरिक फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, अब यहाँ से ई ओवर अल्फा, तो ये आपके पास क्या आ गई है? ई बी इज इक्वल टू ई ओवर अल्फा। तो एप्सिलॉन क्या है, या जिसे आप लोग इससे पावर कहते हैं, ई ओवर ई बी, यही है। तो यहाँ से अगर ई बी की वैल्यू निकालें तो ई ओवर एप्सिलॉन आ गया है। अब ये ई ओवर अल्फा है, ये ई ओवर एप्सिलॉन है, दोनों को अगर हम लोग इक्विवेलेंट करें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब क्या है कि एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। यानी कि किसी भी बॉडी की जो प्रॉपर्टीज के, यानी जितनी वो एब्जॉर्ब कर सकता है उतनी ही वो तैर रिलीज करेगा, जितनी रिलीज करेगा उतनी ही वो एब्जॉर्ब करेगा। किरचॉफ्स लॉ स्टेट्स दैट द एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी व्हेन द बॉडी रिमेंस इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी क्या होगी? बराबर होगी, सिंपल। किरचॉफ्स लॉ की सिंपल डेफिनेशन है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी की एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी क्या होगी? बराबर। कहता है दिस स्टेट्स दैट द टोटल मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर, किसी खास वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं उनके हवाले से जो सिस्टम की एमिसिव पावर है, इज डिफाइंड एज द एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक सरफेस इन ऑल डायरेक्शंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ इंटरवल अराउंड लैम्डा।
तो e lambda b is equal to 2 by c square h lambda power minus 5 exponent of ch over lambda kt minus 1 watt per meter square micron में दी हुई है। तो इसमें ये c, h, lambda k और t की values defined हैं, कुछ constants हैं, उनकी values given हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, ये एक स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये k की वैल्यू और है और सॉरी ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, ये बेसिकली वही आपके पास प्लांक का ही लिखा हुआ है। इसमें अब ये जो c है और h है ना, ये दोनों कांस्टेंट हैं और ये k c h ओवर k और ये h है। ठीक है, और ये जो है ना, अब आप इसको देखेंगे ये 2 बाई है, c है, h है, तो इसको मैंने सारे को c1 कह दिया और इधर ये c है, लैम्डा है और k है, इस सारे को हम क्या कह देते हैं, c2 कह देते हैं। ठीक है, तो c इसको सिंपलीफाई कर लिया ना, c1 c2 की वैल्यूज आपके पास आ गई, आप डायरेक्टली वैल्यूज को इधर पुट करके इसको मुझे सिंपलीफाई। Wien's displacement law kya hai, this law states that the product of lambda max and temperature T are constant. Ke kisi bhi body se jo radiation kisi khas wavelength pe nikal rahi hai, to jo lambda maximum hoga aur jo system ka temperature hoga, unki value kya hogi, constant hogi. Ab ye value hum logo ne pichle law mein dekh liya hai ki ye aa rahi hai. To E lambda B becomes maximum when D E lambda B over D lambda is equal to 0. ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करें तो आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो लैम्डा मैक्स T is equal to 2898 आपके पास आ जाएगा माइक्रोमीटर पर केल्विन। माइक्रोमीटर को sometimes माइक्रोन भी कहा जाता है, सिंपल वर्ड यूज कर लिया। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपके पास ये कांस्टेंट है, इस पर इक्वेशन को यूज करके आपकी या लैम्डा मैक्स की किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वैल्यू या लैम्डा मैक्स के अगेंस्ट टेम्परेचर की वैल्यू काल सकते हैं। थर्मल रेडिएशन बेसिक रिलेशन। अच्छा, अब ये कुछ मजे की चीजें हैं। ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ये ग्राफ्स आपकी जो है ना, वो मेरा ख्याल है बुक में दिए हुए हैं सिंजल की। यहाँ पे ये वेवलेंथ है माइक्रोन में और यहाँ पे जो है ना उसकी एनर्जी दी हुई है, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। ठीक है, ये इधर जो है वो ये बीटीयू में दी हुई है, इधर किलो वाट में, और ये टेम्परेचर दिए हुए हैं, ये 2000 फारेनहाइट पे है या 1360 केल्विन 66 केल्विन है और ये 3000 फारेनहाइट है या 1922 केल्विन। तो इस ग्राफ का मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाता है कि जी इस खास टेम्परेचर के ऊपर और इस खास वेवलेंथ के ऊपर, मतलब तीन वेवलेंथ दी जाती है और 3000 टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आप बताएं कि इसके पास एनर्जी कितनी होगी। तो मैं यहाँ से लाइन एक ड्रा करूँगा यहाँ तक और यहाँ से लाइन ड्रा करूँगा यहाँ तक और यहाँ से वैल्यू को रीड कर। इसी तरह अगर मुझे कहा जाए कि यहाँ से क्या वैल्यू है तो मैं इधर से रीड कर। ठीक है, तो ये ग्राफ्स जो है ना, ये अगर एग्जाम में ज़रूरत होंगे तो ये ग्राफ्स आपको प्रोवाइड किए। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एमिसिव पावर ई थीटा फ्रॉम अ रेडिएटिंग प्लेन सरफेस इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ एमिशन। ई थीटा इज इक्वल टू ई एन कॉस ऑफ थीटा, दिस इज ओनली फॉर डिफ्यूज रेडिएशन सरफेस। ई एन टोटल एमिसिव पावर इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स नॉर्मल। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की हम पहले भी बात कर चुके हैं। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी लीविंग द सरफेस इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट एरिया, इट इज डिनोटेड बाय आई। सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ स्पेस इनसाइड अ स्फीयर इनक्लोज्ड बाय अ कॉनिकल सरफेस। सॉलिड एंगल इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ स्फेरिकल सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ कोण टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर।
स्फीयर, ये जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो आप देखें ना, जब वो सरफेस का आप एंगल सेंटर के ऊपर या वो सॉलिड एंगल बनाते हैं तो क्या बनती है, कौन बनती है, ये आपके पास क्या आया था, 2 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, तो इसको आप आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई आ गया। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन किससे रिप्रेजेंट होती है, ई ओवर पाई। एग्जाम्पल है हमारे पास कि एरिया ऑफ अ बॉडी इज 0.12 मीटर स्क्वायर एंड इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 527 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द फॉलोइंग, टोटल रेट ऑफ एनर्जी एमिशन, इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल रेडिएशन एंड वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर। अब ये देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल खुद करना है, ये सॉल्व नहीं हुआ हुआ, ये आपकी बुक में भी मौजूद है। इसको आप देखें, कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर एन इंडस्ट्रियल फायर फर्नेस इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉडी एंड एमिटिंग रेडिएशन दैट 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर 1.2 माइक्रोन लेंथ पे आपने वो उसको निकालना है, वेवलेंथ एटमिक एमिशन इज मैक्सिमम, लेमडा मैक्स निकालनी है, मैक्सिमम एमिसिव पावर ठीक है ई मैक्स निकालना है, और टोटल एमिसिव पावर विद एमिसिविटी 0.9 ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.9 है, ये भी आप लोगों ने खुद कर ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 5 मिनट्स का ब्रेक, और उसके बाद मेरे ख्याल है शायद कोई 20-25 मिनट का जो है ना लेक्चर और है उसको हम कंटिन्यू करेंगे ठीक है। तो हम 5 मिनट्स ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, जब तक आप एक काम करें ना, बल्कि 5 मिनट में आप एग्जाम्पल 7.1 को मुझे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप कैसे दिखाएंगे, आपके पास लेक्चर ही नहीं है। चलें कोई बात नहीं, आप होल्ड कर लें फिर जो है ना हम इसको रिकंटिन्यू।
ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, ये जो बेसिकली रिलेशंस है ना. जी बेटा, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर, हमें यानी के जो आपके सब्जेक्ट है इसका पास्ट पेपर मिल सकता है? नहीं बेटा, पास्ट पेपर नहीं मिल सकता. तो सर हमें पैटर्न का कैसे पता चलेगा? पैटर्न आपको बताऊंगा सारा बेटा. ओके, पूरा पैटर्न आपको बताऊंगा. ओके जी, रिलेशन रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन ब्लैक बॉडीज सेपरेटेड बाय नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम. अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये बड़ी मजे की चीज है कि पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि एक बॉडी है वो रेडिएशन रिलीज कर रहा है, दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा है, या कोई बॉडी है वो सिर्फ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है. अब इस फिगर को आप ड्रा करने बल्कि इस फिगर को आप 2 मिनट में ड्रा कर लें अपने पास, क्योंकि अगली स्लाइड्स में ये फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है. देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आप 2 से 3 मिनट में इसको ड्रा करेंगे और मुझे पोस्ट भी करेंगे. हम होल्ड कर लेते हैं जब तक आप इसको जरा जल्दी से ड्रा कर. ये मैंने ग्रुप में सेटिंग चेंज कर दी है, आप पोस्ट कर सकते.
ओके बेटा, हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम हेयर। इसमें आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास बेसिकली ये दो मेजर सरफेसेस थी। सरफेस वन है हमारे पास हेयर और देयर इज सरफेस टू। जी रोल नंबर 6, यू हैव एनी क्वेश्चन? करनी थी जी जी बेटा, जा सकता हूँ? जी बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैंने कहा नमाज पढ़ने जाना था, टाइम हो गया। ओके, यू कैन गो, बट इफ यू कैन होल्ड फॉर 15 to 20 मिनट। मैंने भी नमाज पढ़नी है बेटा, तो हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। ओके, वी हैव सरफेस वन एंड सरफेस टू, एंड यू कैन सी हेयर इसका जो हमारे पास सरफेस एरिया है। अब इसमें आपके पास जो टोटल सरफेस वन है, वी हैव रिप्रेजेंटेड इट्स एरिया बाय A1, एंड इट इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1, एंड देयर इज सरफेस टू दैट इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T2, एंड इट्स एरिया इज A2। अगेन इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि हमारे पास जो दोनों सरफेसेस हैं, वी विल कंसिडर हियर स्मॉल पैच ऑफ एरिया दिस पर, यू कैन सी DA1, और जो दूसरी सरफेस है उसका इक्वलेंट एरिया हम DA2 ले। एट दी एंड हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये स्मॉल एरियाज के हैं, वी विल कैलकुलेट द रेडिएशन हीट ट्रांसफर फॉर दिस स्मॉल एरिया, एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट ओवर द होल एरिया ऑफ दिस सरफेस। सो फ्रॉम दिस सेंटर, दिस सेंटर ड्रा अ लाइन, और हमारे पास जो है वो अब जो रेडिएशन है, एक इस चीज़ को जेहन में रखें कि जो एनर्जी है दैट ऑलवेज पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब यहाँ से जो रेडिएशन रिलीज हो रही हैं, बेसिकली वी वे आर टू फाइंड आउट दियर डायरेक्शन, वी विल ड्रा अ परपेंडिकुलर एवर दिस सरफेस, एंड आल्सो वी विल ड्रा अ परपेंडिकुलर एवर दिस सरफेस। ओके, अब होता ये है कि जब दो सरफेसेस पैरेलल हो, लेट अस सी, मैं आपको यहाँ पे अगर शो करूँ, अगर ये दो सरफेसेस पैरेलल हैं और दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है, एंड दे आर एक्सपोज्ड टू ईच अदर, तो हमारे पास क्या होगा कि जो एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी और फ्रॉम हेयर टू हेयर, चूंकि 100% अगर एरिया एक्सपोज है, तो इससे जितनी रेडिएशन जाएंगी वो 100% इस तक पहुंचेंगी, और यहाँ से जितनी एनर्जी रेडिएशन रिलीज होंगी वो 100% इस तक पहुंचेंगी। लेकिन जस्ट एज्यूम दैट, अगर इसका मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेता हूँ, मैं यहीं पे ड्रा कर लेता हूँ, इसका मैं अगर एंगल चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको जो है ना वो टिल्ट कर लेता हूँ, तो अब जो रेडिएशन होंगी ना वो इस तरह से जाएंगी। अब इसमें से कुछ रेडिएशन तो इस तक पहुंचेंगी, लेकिन कुछ रेडिएशन इसको पास आउट कर जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो ओवरऑल रेडिएशन एनर्जी है, उसकी जो इंटेंसिटी है या उसकी जो अमाउंट है, वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपके पास दो सरफेस एट सर्टेन एंगल जो है वो मौजूद हों, तो उनका क्या होगा कि आपके पास जो रेडिएशन हीट एक्सचेंज है वो कितना है, उस चीज़ को हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही चीज़ बेसिकली हम यहाँ पे इस इक्वेशन में ड्राइव करेंगे कि उसको कैसे, ठीक है? तो आई होप सर, ये इक्वेशन आप फिगर आप ड्रा कर चुके हैं। इसका एंगल थीटा वन है, इसका एंगल थीटा टू है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर है, और ये नॉर्मल जो है वो हम लोगों ने एरिया DA1 और DA2 पे ड्रा कर। So let us consider that heat exchange between the elements of any area DA1 and DA2 of two black bodies separated by non-absorbing medium. यानि इनके दरमियान कोई इस तरह का medium नहीं है जो radiations को absorb कर रहा है. The areas A1 and A2 are at temperature T1 and T2 respectively.
और दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर है और नॉर्मल्स का डिस्टेंस जो है वो थीटा वन और थीटा टू है। लेट डी ओमेगा वन बी सबसे, अब ये देखें ये थीटा वन एंड थीटा टू ईच हैविंग अ सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ ईच अदर। लेट डी ओमेगा वन बी सबटेंडेड बाय डी ए वन बाय डी ए टू। ठीक है, डी ओमेगा वन जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट वन से बन रहा है एंगल ऑब्जेक्ट टू के ऊपर, और डी ओमेगा टू जो है वो ऑब्जेक्ट टू का एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट वन के ऊपर। सो डी ओमेगा वन इज इक्वल टू डी ए टू कॉस ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब आप देखिए कि इसका एक कंपोनेंट है जो कॉस कंपोनेंट है ना, अगर दोनों पैरेलल होगी तो आपके पास जो है वो कॉस वन होगा। ठीक है, तो उस केस में जो है वो डी ए टू ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये चूंकि किसी टिल्टेड है ना तो इसका सिर्फ कॉस कंपोनेंट जो है वो एंगल ऑब्जेक्ट ए के साथ मैप हो रहा है, और इसी तरह जो ऑब्जेक्ट डी ओमेगा टू है जो ऑब्जेक्ट वन का के ऊपर एंगल बन रहा है उसका भी जो है वो सिर्फ कॉस कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि दोनों के दरमियान एनर्जी ट्रांसमिशन कितनी हो रही है, तो द एनर्जी लिव इन डी ए वन इन द डायरेक्शन, आप फिगर को आपने देखते रहिएगा उसको और इसको भी देखते रहें, डी ए वन इन द डायरेक्शन बाय एन एंगल पर यूनिट सॉलिड एंगल इज इक्वल टू आई बी वन डी ए वन कॉस ऑफ थीटा वन। तो ये बेसिकली आई बी वन क्या है, ये उस बॉडी की इंटेंसिटी है जो रेडिएशन रिलीज हो रही है, और एक्स कंपोनेंट में कितनी जा रही है या कॉस डायरेक्शन में कितनी जा रही है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो फ्रैक्शन आ जाएगी जितनी परसेंटेज में जा रही है। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों सरफेसेस पैरेलल होंगी तो उस केस में हमारे पास एंगल जीरो हो जाएगा जो वन हो जाएगा, और ये आपके पास मैक्सिमम रेडिएशन आएंगी, लेकिन जैसे ही एंगल टिल्ट होगा वो किसी खास डायरेक्शन में चला जाएगा तो उस केस में हमारे पास फिर जो है वो उसकी फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी वो मैक्सिमम के लिए। सो द रेट ऑफ एनर्जी लिविंग डी ए वन बेंड स्ट्राइकिंग ऑन डी ए टू, यानी ऑब्जेक्ट वन से जो ऑब्जेक्ट टू की तरफ एनर्जी जा रही है वो क्या होगी, डी क्यू वन टू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आई बी वन डी ए वन कॉस ऑफ थीटा वन ओमेगा। ओके, और अगर आप लोग इस में जो है वो ओमेगा वन की वैल्यू पुट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा डी ए टू ओवर आर स्क्वायर इसमें इनकॉर्पोरेट कर लें। ठीक है, सो द रेट ऑफ रेडिएट एनर्जी एमिटेड बाय ए वन दैट फॉल्स ऑन ए टू, ये तो आपके पास आ गया है जो हमारे पास स्मॉल एरिया हम लोगों ने कंसिडर किया है उससे जो हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो क्यू वन टू इज इक्वल टू आई बी वन ए वन ए टू, ए वन से ए टू की तरफ जो जा रही है कॉज ऑफ थीटा वन थीटा टू डी ए वन डी ए टू ओवर आर स्क्वायर, ये अगेन पूरी इक्वेशन आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगी, और चूंकि डबल इंटीग्रेशन इसकी आ रही है चूंकि यू हैव टू वेरिएबल्स वन इज एरिया वन एंड वन इज एरिया टू एंड डी क्यू वन टू दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो ये बेसिकली डेरिवेटिव है, उसको आप होप अप करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर। आई बी वन किसके इक्वल आ जाएगा, ई बी ओवर पाई यू हैव ड्राइव्ड इन प्रीवियस लेक्चर स्लाइड्स, सो इट वुड remain the same this term. Okay, so EB equal to sigma T1 power 4 from Stephen Boltzmann law, और ये pi as it is आ जाएगा, बाकी term जो है वो इसमें same रहेगी। तो अब आपके पास इसमें जो sigma T power 4 है उसको आप derivative से बाहर रखें, cos theta 1 theta 2 और da1 da2 as it is आ जाएगा, यहाँ पे pi r square को इस पूरे टर्म को आप लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे सेपरेट कर। ठीक है, रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय a1 इज गिवन बाय q1 इज इक्वल टू a1 sigma t1 पावर 4। अच्छा, अब ये देखें, दिस इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2 and this is the energy that is radiated by body 1, this is maximum energy. For example, अगर यहाँ से 100 units energy के release हो रहे हैं तो हो सकता है कि object 1 से object 2 की तरफ 40, 50 या 60 units सिर्फ आ रहे हैं,
तो वो जितनी परसेंट हमारे पास एनर्जी ऑब्जेक्ट टू की तरफ जा रही है वो ये इक्वेशन बता रही है हमें, जो ऑब्जेक्ट वन से टू की तरफ जा रही है, और ये हमें बता रही है कि ऑब्जेक्ट वन हमारे पास टोटल कितनी एनर्जी रिलीज कर रही है। सो द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लिविंग ए दैट स्ट्राइक्स ऑन एरिया ए टू इज क्यू वन टू ओवर क्यू वन, ये बेसिकली आप इनके रेशियो ले लेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी इस फॉर्म में, जिसमें आप लोगों के पास दोनों की रेशो। तो इसको मजीद अगर आप लोग सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपके पास ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये जो आप लोगों के पास लास्ट टर्म ड्राइव हुई है इसमें आपके पास ये दोनों टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल गेट दिस टर्म इन फॉर्म ऑफ। अब इसमें ये जो हमारे पास कंप्लीट टर्म है ना, ये वाली, दिस इज वन ओवर ए वन इन डबल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू ए वन ए टू कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू डी ए वन डी ए टू ओवर पाई आर स्क्वायर, दिस इज बेसिकली द शेप फैक्टर, और इस शेप फैक्टर को हम एफ वन से टू एफ वन टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली शेप फैक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट वन कितने परसेंट एक्सपोज है ऑब्जेक्ट टू को, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि आपके पास ये खास एंगल है और ये आपके पास दो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर दोनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप लोगों के पास अब देखिए कुछ रेडिएशंस तो इस ऑब्जेक्ट तक पहुँच रही होंगी, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस रेडिएशन इसको बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली जो एफ वन टू है ये फैक्टर हमें बता रहा है कि कितने परसेंट एरिया इस ऑब्जेक्ट का एक्सपोज है टू दिस वन, या हम इसका रिवर्स भी ले सकते हैं, मतलब इसमें होगा ये कि एक एमिटर है एक रिसीवर है, ठीक है। In that case, one to two, if this is object one and this is object two, तो ये हमारे पास equation show कर रही है कि object one से object two की तरफ कितनी radiation जा रही है, और F one two हमें बता रहा है कि हमारे पास इसका कितने percent area जो है वो exposed है। ये हम लोगों ने lab में experiment भी किया था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने shape factor का effect निकाला था कि अगर बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस को भी इंक्रीज किया जाए तो उससे भी शेप फैक्टर चेंज होता है, और दूसरा ये है कि इनके दरमियान एंगल। अब ये आर क्या है, दिस इज एंगल और दिस इज डिस्टेंस, और ये थीटा वन और थीटा टू क्या है, दोनों के दरमियान एंगल्स को शो करता है, ओके। तो शेप फैक्टर को हम कॉन्फिगरेशन कहते हैं, फैक्टर भी कहते हैं, सरफेस फैक्टर भी कहते हैं, व्यू फैक्टर, रेडिएशन शेप फैक्टर, इसके डिफरेंट नाम रखें। सिमिलरली रेडिएटिव एनर्जी फ्रॉम ए टू टू ए वन, दिस वॉज फ्रॉम वन टू टू, और अगर आप टू से वन की तरफ कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए सिमिलर मैनर में आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। उसमें क्या होगा कि ओनली दिस हेयर इट वुड बी चेंज फ्रॉम टू टू वन, यहाँ पे टू आ जाएगा फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे एरिया ए टू आ जाएगा, दिस विल रिमेन सेम, क्योंकि ये फाइनल जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये टर्म आपके पास सेम ही आएगी, सिर्फ यहाँ पे एरिया ए टू चेंज हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे जो है ये शेप फैक्टर को हम एफ टू से वन रिप्रेजेंट करेंगे, मीन के हाउ मच एरिया ऑफ टू इज एक्सपोज टू वन, और एफ वन टू रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ मच एरिया ऑफ वन इज एक्सपोज टू ए टू। इसके लिए आप लोगों ने कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह से करनी है जिस तरह से हम लोगों ने डेरिवेशन वन से टू की तरफ की है, सेम मैनर में आपने टू से वन के लिए कर, ये आप लोग खुद से करें। From equation 1 and 2, the equation 1 and 2 we have derived so far, we can write Q1 to 2 is equal to Q1 F1 to, इसको हम अब देख लिया F1 to है, तो ये Q1 हम इसको इधर right side पे shift कर लेते हैं, और इधर से Q2 को इधर right side पे shift कर लेते हैं, we will get Q1 to is equal to Q1 F1 to, और Q1 की जगह पे हम लिख सकते हैं ए वन सिग्मा टी पावर फोर, क्योंकि ये मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर रहा है, Q1 जो है वो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट वन एनर्जी रिलीज कर रहा है, और इसी तरह Q2 इज़
इंटू एफ टू वन, इसमें आपके पास ये ए टू सिग्मा टी टू पावर फोर आ जाएगी। तो अब इसमें अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करें, अगर हम लोग देखें कि अगर दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि एफ वन टू और एफ टू वन अगर हमारे पास इक्वल हैं तो फिर क्या होगा, सिग्मा ये ए वन सिग्मा टी पावर फोर और ए टू सिग्मा टी टू पावर फोर दे विल इक्वलाइज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ए वन एफ वन टू इज इक्वल टू ए टू एफ टू वन, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है कि आप के पास जो ऑब्जेक्ट वन का एरिया और शेप फैक्टर है उन दोनों का प्रोडक्ट, और ऑब्जेक्ट टू का एरिया और शेप फैक्टर उन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल हो। क्योंकि एरिया यहाँ पे अगर कम होगा तो शेप फैक्टर यहाँ से बढ़ जाएगा, और अगर ये यहाँ पे बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। दोनों का बेसिकली जो है वो ये रेशियो है, एरियाज और शेप फैक्टर के रेशियोज जो होती हैं ये हमेशा सेम होती है। और इस थ्योरम को हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जो नो अबाउट इट। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम से रिलेवेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड आल्सो इन द क्विज। सो द नेट रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ए वन टू ए टू, हाउ यू विल कैलकुलेट इट, यू वन टू नेट मीन इफ चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं रिलीज भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट वन इज रिलीजिंग 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट टू इज रिलीजिंग 60 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, 40 यूनिट्स आ जाएगा। तो क्यू वन टू इज इक्वल टू क्यू वन एफ वन टू आपके पास आ जाएगा, और आप लोग इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 की जगह भी आपके पास A1 सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर का आप लोग डिफरेंस लेंगे तो आपके पास नेट एनर्जी आएगी। और इसी तरह 2 से 1 की तरफ अगर आप लेंगे तो यहाँ पे A2 आ जाएगा, शेप फैक्टर 2 1 आ जाएगा, और बाकी जो पैटर्न होगा वो सेम रहेगा। शेप फैक्टर क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली जो है वो हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो है वो एंगुलर जो वेरिएशन है वो कितनी हो रही है। शेप फैक्टर रिलेशन फॉर सम कॉन्फ़िगरेशन, कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए शेप फैक्टर के हवाले से रिलेशन हमारे पास मौजूद हैं। इसमें हमारे पास समीशन रूल है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, और फ्रॉम द इंस्पेक्शन ऑफ सर्फेसिस है। हाँ, बाय समीशन रूल, अ ब्लैक बॉडी इनसाइड अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक इन्क्लोजर है हमारे पास, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है, और ऑब्जेक्ट टू से रेडिएशन जा रही है ऑब्जेक्ट वन की तरफ। तो अब इसमें क्या होगा, एफ वन वन प्लस एफ वन टू वुड बी इक्वल टू वन, मैक्सिमम जो शेप फैक्टर होगा दोनों का सम जो होगा वो वन के इक्वल होना चाहिए। अब इसमें हमारे पास चूंकि ये ऑब्जेक्ट वन है तो ऑब्जेक्ट वन जब रेडिएशन रिलीज करेगा तो इससे कुछ रेडिएशन ये इसके अपोजिट साइड पे खुद इसकी अपनी सरफेस तक जाएंगी, और कुछ रेडिएशन जो है ये ऑब्जेक्ट टू जो है वो रिसीव करेगा। तो इसकी जो टोटल जो है बेसिकली रेडिएशन है उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एफ वन टू वन एंड एफ वन टू टू ये हमें पता होना चाहिए, इट वुड बी इक्वल टू वन। ये बेसिकली समेशन रूल है कि आपके पास टोटल जो बेसिकली उससे रेडिएशन रिलीज हो रही है अगर उसको हमें कैलकुलेट करना है तो वो जो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ रेडिएशन से आ रही है उन दोनों को समाप्त हो गया। एफ वन वन इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ वन टू, आपके पास इससे जो ऑब्जेक्ट इट सेल्फ रेडिएशन रिसीव कर रहे हैं वो भी आ जाएंगी, या आप वन से टू की तरफ जो जा रही हैं वो भी करेंगे। बाई ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मीन इफ यू वांट टू एनालाइज द ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम, सो ऑब्जेक्ट टू इज इनक्लोज्ड विद इन ऑब्जेक्ट वन, एंड वी इफ यू वांट टू कैलकुलेट दैट हाउ मच इन रेडिएशन आर
releasing from object 2 and how much radiations are absorbed by object 1. So for that hum log kya karenge ki because it is enclosed into it and you can judge from the configuration that 100% area of the object 2 is exposed to object 1. So F2 to 1 kya hoga, it would be 100%, mean it would be equal to 1. Okay. इसी तरह आपके पास अगर ऑब्जेक्ट वन है तो इससे जितनी रेडिएशन रिलीज होंगी या वो 100% जो है ना ऑब्जेक्ट टू को रिसीव नहीं हो रही है, तो एफ वन वन वुड नॉट बी इक्वल टू वन, एफ वन वन प्लस एफ वन टू वुड बी इक्वल टू वन, तो उसमें हमें समीशन। व्हाट अबाउट रेसिप्रोसिटी थ्योरम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेसिप्रोसिटी थ्योरम वी यूज द समीशन रूल एज वेल एंड देन what is summation rule, f11 plus f12 that is equal to 1, तो यहाँ से f11 की वैल्यू आ गई। और reciprocity theorem क्या कहता है कि आपके पास जो एरिया और शेप फैक्टर का जो प्रोडक्ट है और उनकी अगर हम रेशियोज दें तो वो सेम आती है। तो यहाँ से अगर हम f12 की वैल्यू निकालें दैट वुड बी a2 ओवर a1 इंटू f21, तो यहाँ से हम लोग अगर इस इक्वेशन में एफ वन टू की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लें दिस वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस ए टू ओवर ए वन इंटू एफ वन। तो चूँकि एफ टू वन हमारे पास, हम लोगों ने इसी ऑब्जेक्ट के लिए देखा एफ टू वन इक्वल टू वन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस ए टू ओवर ए वन। क्लियर? Basically, we have the same object, a body enclosed within a body. Summation rule से हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा total shape factor हम लोग जो है object 1 to 2, 1 to 1, 2 to 1, single rule से हम लोग calculate नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम summation rule, geometry, analysis और reciprocity theorem तीनों को use करते हुए फिर हम लोग calculation कर सकते हैं। अगर इसी फिगर में देखें तो F22 क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपकी रेडिएशंस वापस रिसीव नहीं करेगा। ठीक हो? अगेन ये हमारे पास एक बेसिकली जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्यूब है। अगर इस केस को देखें तो इट हैज थ्री सरफेसेस, वन टू थ्री, तो समीशन रूल क्या होगा, F11 प्लस F12 प्लस F13 इज इक्वल टू 1। अगर हम इस सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं तो इस सरफेस से क्या होगा, द पोर्शन ऑफ रेडिएशन दैट इज रिसीव्ड बाय ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री एंड ऑब्जेक्ट वन, इस कुछ अगर पोर्शन वापस तक पहुंच रहा है, अगर नहीं होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो तीनों का हम सम अप करेंगे तो ये इट शुड बी इक्वल टू 100%। कॉन्फ़िगरेशन से कैसे इसका जो है ना वो एनालिसिस करेंगे, एफ वन वन क्या है, जीरो है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चला है, समीशन रूल से हमें नहीं पता चल रहा है कि एफ वन वन जीरो होगा या नहीं होगा। उसमें तो हम एफ वन वन एफ वन टू एफ वन थ्री टोटल उनको कर लेंगे, अगर थ्री से करेंगे तो एफ थ्री थ्री एफ थ्री वन एफ थ्री टू, टू से करेंगे तो एफ टू टू एफ टू वन एफ टू थ्री आ जाएगा। ज्योमेट्री से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो एफ वन वन है वो जीरो होगा क्योंकि ये फ्लैट सर्फेस है, तो आपकी रेडिएशन वापस रिसीव नहीं करेगा। इस केस में एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री इक्वल टू वन होगा। तो फिर चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेसिकली इक्वल पोर्शन ऑफ रेडिएशन वुड बी रिसीव्ड बाय दीज टू सरफेसेस, तो एफ वन टू इज इक्वल टू एफ वन थ्री इज इक्वल टू 0.5, मीन वो उसको आप दो से डिवाइड। अब इसी के ऊपर अगर हम कन्फिग्रेशन मतलब फैक्टर को मजीद जो है ना एलाबोरेट करें सरफेस टू तक, तो इसमें आप देखेंगे एफ टू टू क्या है वो जीरो हो जाएगा, तो एफ टू वन टू 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 थ्री इक्वल टू वन है तो एफ टू टू जीरो है, तो ये टू थ्री इज इक्वल टू वन माइनस टू वन हो जाएगा। अब इस पर रेसिप्रोसिटी थ्योरम का अगर हम अप्लाई करते हैं तो ए वन एफ वन टू इज इक्वल टू ए टू एफ टू वन, तो यहाँ से जो है वो एरिया ए वन और ए टू आपस में सेम ही, क्योंकि दोनों सर्फेसिस की जो लेंथ है और जो उनकी विड्थ है वो सेम क्या है, क्योंकि हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंसिडर किया है। तो इस केस में फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ टू वन
इज इक्वल टू ए वन ओवर ए टू एफ वन टू, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये वन हो जाएगा, तो एफ टू वन इज इक्वल टू एफ वन टू आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब अगर हमने एफ टू थ्री निकालना है तो इट वुड बी एफ वन माइनस एफ टू वन, तो एफ टू वन की जगह पे हम लोग एफ वन टू लगा सकते हैं, तो एफ टू थ्री इज इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पॉइंट फाइव आ जाएगा। तो इस केस में क्या है, अब ज़रा गौर करें, जब हमने सरफेस टू को कंसिडर किया तो सरफेस टू के केस में हमारे पास एफ टू टू ज़ीरो हो गया, और एफ टू टू वन हमारे पास क्या है, और एफ वन टू टू वो हमारे पास सेम है, तो एफ टू टू वन और एफ टू टू थ्री उसकी वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेट हो गई हैं, पॉइंट फाइव। तो बेसिकली हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस आ गई है। अब इसमें आप देखें कि ये इसकी इसका डायमीटर क्या है, ये इसकी हाइट है। अब सरफेस, दिस इज सरफेस वन, दिस इज सरफेस टू, तो अब सरफेस वन से टू की तरफ कितनी रेडिएशन जा रही है ये हमने कैलकुलेट करनी है, या टू से वन की तरफ कितनी जा रही है वो कैलकुलेट करनी है। सो वन टू वन प्लस वन टू टू इक्वल टू वन समीशन रूट करते हैं। एफ वन वन हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, एफ टू टू वन प्लस टू टू टू, पहले इस सरफेस को कंसिडर किया फिर इसको कंसिडर, तो वो भी वन होगा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर इस सरफेस को कंसिडर करेंगे तो एफ वन वन जीरो होगा, और अगर इसको कंसिडर करेंगे तो एफ टू टू जीरो होगा, फ्लैट सरफेस। अगर फ्लैट नहीं होगी तो फिर उसमें वेरिएशन आएगी, तो फिर क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ जैसे यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि एफ टू टू जीरो है, तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो एफ टू वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। के मतलब टू जितनी भी रेडिएशन रिलीज कर रहा है वो किसकी तरफ जाएंगी, वन की तरफ जाएंगी। बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम ए वन एफ वन टू इज इक्वल टू ए टू एफ टू वन, तो यहाँ पे एफ वन टू की वैल्यू निकालें, रेशियो ले लें, ए टू ओवर ए वन आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, वो क्या आई है, वन आई है। तो एफ वन वन इज इक्वल टू वन माइनस एफ वन टू, एफ वन टू की जगह पे इसकी जगह पे आप एरिया की वैल्यू पुट कर लें, एफ वन वन इज इक्वल टू वन माइनस दोनों एरियाज की वैल्यूज को यहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। ए वन आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच। अच्छा, अब मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे जो टॉप सरफेस है वो फ्लैट है, लेकिन ये जो सरफेस वन है ये फ्लैट नहीं है, क्योंकि ये सिलेंडर है, ये इसका फ्रंट व्यू दिया हुआ है। इसको ज़रा ध्यान से देखें, यू मे बी गेट कन्फ्यूज, ये तो सर फ्लैट सरफेस नज़र आ रही है, ये सिलेंडर है, इस तरह से, इस तरह से। F2 to 0 हो सकता है, लेकिन F11 इस केस में 0 नहीं होगा, क्योंकि इस साइड से इधर रेडिएशन जा रही होंगी, इधर से इधर रेडिएशन जा रही होंगी, ठीक है, समझ गए। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट सरफेस है। अब आप ये ना कहिएगा कि ये 2 है तो ये भी 2 कह दें, ये अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है, लेकिन ये एक ही सरफेस है, ये टोटल एक ही सरफेस है, ये इस तरह से है, दिस इज लाइक दिस, ओके। तो ये एक ही सरफेस है, इसीलिए आप लोगों ने देखा है कि ए वन के केस में हमारे पास जो टोटल एरिया आएगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर प्लस पाई डी एच, उसकी हाइट को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, तो एफ वन वन आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास कोरिलेशन। अब हेमिस्फेरिकल सरफेस है, यानी कि आपके पास आधा सफ़ीयर है, दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ सफ़ीयर। अब इस केस में आपके पास एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। अब सरफेस टू से सरफेस वन की तरफ जो रेडिएशन जा रही है, अगर ज्योमेट्रिकल एनालिसिस कर देंगे तो सारी की सारी रेडिएशन जा रही है, लेकिन टू से टू क्या होगा, जीरो होगा। सरफेस वन से टू की तरफ जा रही है रेडिएशन मैक्सिमम, सरफेस वन से वन की तरफ भी जा रही होंगी, इधर से इधर भी जा सकती हैं, इधर से इधर भी जा सकती हैं, तो एफ वन वन जीरो नहीं, इस चीज़
समीशन रूल गए F11 प्लस F12 इज इक्वल टू 1, F22 प्लस F21 इज इक्वल टू 1. F22 क्या है? 0 है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ज्योमेट्री से नजर आ. तो F21 क्या आ जाएगा? रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा लें, A1F12 इज इक्वल टू A2F21. तो यहाँ से आप इसको एरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. बट F21 इज इक्वल टू 1, ऑल रेडिएशन एमिटेड बाय सरफेस 2 आर इंटरसेप्टेड बाय सरफेस 1. जितनी रेडिएशन सरफेस 2 रिलीज करेगी, सारी की सारी सरफेस 1 रिसीव करेगी. तो F21 क्या होगा? 1 होगा. इसको आप 1 कर लें तो F12 इज इक्वल टू A2 ओवर A1 इंटू इधर 1 आ जाएगा. तो A2 का आपके पास एरिया आ गया है, A1 का एरिया आ गया. A2 क्या है? आपके पास सरफेस 2 का एरिया. ठीक है, अब इसकी ये जो सरफेस है ना, ये भी फ्लैट नहीं है, ये पाई आर स्क्वायर क्यों आया है? क्योंकि इसका भी कुछ एरिया होगा, ये स्फीयर है. तो इसकी जो है ना, वो आपके पास इस तरह की सर्कुलर शेप होगी. आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल बिफोर दैट अबाउट द स्फीयर. तो यहाँ से आपके पास जो है F12 क्या आ जाएगा? 1 से 2 की तरफ जो जा रही है 0.5. क्यों 0.5 है? क्योंकि कुछ इसकी परसेंटेज 1 से 1 की तरफ भी जा रही है, सारी की सारी 2 की तरफ नहीं जा रही. अब ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स अवेलेबल हैं, ये लिटरेचर में आपकी बुक में, ये सिंजल की बुक में मौजूद हैं. सिंजल की बुक ऑनलाइन अवेलेबल भी, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो इस चार्ट को यूज़ करते हुए हम लोग शेप फैक्टर, एक तो है कि फार्मूले से निकाल लें, एक है कि हम लोग यहाँ चार्ट से निकाल लें. अब ये देखें, दो पैरेलल सरफेसेस हैं, एक का एरिया A1 है, दूसरे का एरिया A2 है, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो डी मेंटेन किया हुआ है, और इसकी जो विड्थ है वो एक्स है, और इसकी जो लेंथ है वो वाई है. ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी शेप में जब भी आप सरफेसेस ड्रा करेंगे तो आप इनके जो है ना वो डायमेंशंस जो है ना वो आपने देनी है, क्योंकि ये इन्हीं डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाओ आप. मतलब इस डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन में डायमेंशंस होंगी उनको एक्स से रिप्रेजेंट करें, वाई डायरेक्शन में वाई से रिप्रेजेंट करें, और इस डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट. अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो रेशियो दी हुई है वो एक्स ओवर डी दी हुई है, दिस ओवर दिस. और ये जो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कर्व्स नज़र आ रही हैं, ये आपके रेशियो पास रेशियो है वाई ओवर टी, दिस ओवर दिस. तो ये दो पैरामीटर आपके पास गिवन है, एक्स ओवर डी, वाई ओवर टी. तो उसके अगेंस्ट आप शेप फैक्टर कैसे निकालेंगे? लेट अस अज्यूम दैट कि मेरे पास ये एक्स ओवर डी 2 है और वाई ओवर डी 0.6 है. तो मैं यहाँ से लाइन ड्रा करूँ आप हियर, तो यहां से अब मैंने शेप फैक्टर निकालना है. तो ये लाइन ड्रा कर ले यहाँ, तो ये यहां से मैं एस्टिमेट कर लूंगा कि मेरा शेप फैक्टर कितना. ठीक है, इस ग्राफ को आप एक्सेल के ऊपर प्लॉट भी करके इसकी इक्वेशन भी इवन बना सकते हैं, और इक्वेशन के अंदर फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो वहां से आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी. रेडिएशन शेप फैक्टर फॉर रेडिएशन बिटवीन पैरेलल इक्वल कोएक्सियल डिस्क्स. अब ये डिस्क के लिए है, ठीक है, ये फ्लैट सरफेसेस के लिए था, ये डिस्क के लिए है. तो डिस्क के केस में आपके पास डायामीटर आ जाएगा और उनके दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है, तो अब डी ओवर एक्स है आपके पास, उसकी कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल 15 आ जाती है. तो आप यहाँ से इस लाइन तक, अब ये लाइन जनरल लाइन है, इस लाइन तक आप लोगों ने ड्रॉ करना है और इसको वाई एक्सिस के ऊपर ले जाएं. यहाँ से आप लोगों के पास शेप है. इसी तरह ये हमारे पास पैरेलल इक्वल, ये हमारे पास है 1 2 के लिए, और ये हमारे पास सेकेंड ग्राफ आ गया. ठीक है, ये आपके पास 0 से 20 तक है और ये आपके पास 0 से 1. ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू डी ओवर एक्स की वैल्यू 0 से 20 तक जा रही है तो आप लोग इसको यूज़ करेंगे, और अगर 0 से 1 तक जा रही है तो आप इसको यूज़
इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है। अब ये परपेंडिकुलर सरफेसेस है, यू कैन सी दीज आर परपेंडिकुलर सरफेस, ए वन है, ए टू है, सी वाई और एक्स इनकी जो है ना वो डायमेंशन दी हुई है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जी ओवर एक्स है, यहाँ पे वाई ओवर एक्स है, कर्व इंजीनियर लाइन के ऊपर, और यहाँ पे वन टू दिया हुआ है शेप फैक्टर। तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से फिर आप लोग इसकी जो है वो फॉर एग्जाम्पल ये 1.5 है, यहाँ से 4 जो है वो वाई ओवर एक्स आता है, तो हमारे पास यहाँ से शेप ठीक हो गया। सिमिलरली दिस इज द रेडिएशन शेप फैक्टर फॉर टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स ऑफ फाइनाइट, तो ये आप देख लेंगे। और इसी तरह ये है वो आपके पास जो है रेडिएशन शेप फैक्टर फॉर टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर ऑफ फाइनाइट लेंथ, आउटर सिलेंडर टू इटसेल्फ एंड आउटर सिलेंडर टू इनर सिलेंडर, ये उसके लिए रेडिएशन शेप फैक्टर फॉर रेडिएशन बिटवीन टू पैरेलल कोएक्सियल डिस्क, मतलब डिस्क डायमीटर डिफरेंट है लेकिन पैरेलल हैं, उनकी एक्सिस सेम, ठीक है, उसके लिए देखेंगे। अच्छा अब ये जो कुछ टेबल दिए हुए हैं ना, इसमें कुछ कोरिलेशंस दिए हुए हैं और ये कोरिलेशंस जो है उन्हीं ग्राफ से ड्रा किए गए, तो आप लोग डायरेक्टली इस कोरिलेशन को यूज़ करते हुए भी शेप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये सारे शेप कोरिलेशंस आपने देख लेने, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नोट डाउन दिस कोरिलेशन और इनमें आप वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली इनको यूज कर, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, टू पैरेलल ब्लैक प्लेट 0.5 by 0.1 meter आर स्पेस 0.5 meter अपार्ट, वन प्लेट इज मेंटेन एट 1000 degree centigrade एंड द अदर एट 500 degree centigrade, वट इज द नेट रेडियंट हीट एक्सचेंज बिटवीन टू प्लेट्स, दिस इज एन असाइनमेंट, यू नीड टू डू इट बाई यूर सेल्फ, ठीक है। हम लोगों ने सारे कोरिलेशंस जो है वो इसके हवाले से डिस्कस कर लिए हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल